हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर नंबर 28 पार्ट 1 इन विच वी सॉल्व द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रियल इंटीग्रल जो हमने इससे पहले पढ़ा था टॉपिक 27 में। यहाँ हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी, इसी का हमको न्यूमेरिकल करना है। द क्वेश्चन इज यूजिंग कॉन्टूर इंटीग्रेशन इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस रियल इंटीग्रल। इस टाइप का क्वेश्चन हमने 12th में ही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको विद द हेल्प ऑफ कॉन्टूर इंटीग्रेशन मतलब कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल की हेल्प से इसकी वैल्यू निकालना है। यहाँ पर आपको जो सब्स्टिट्यूशन बताया था कि पहली बात तो लिमिट 0 से 2 पाई होना चाहिए, यहाँ पर है। फंक्शन में कॉस थीटा या साइन थीटा होना चाहिए, वो भी है। यहाँ पर सबसे पहले कॉस थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं जेड प्लस जेड इनवर्स अपॉन 2। डी थीटा बराबर आ जाएगा 1 अपॉन आई जेड डी जेड, जहां पर जेड इज इक्वल टू ई टू पी पावर आई थीटा है। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन कैसे रखते हैं, 0 से 2 पाई की जगह इवेल्यूएशन ऑफ रियल इंटीग्रल सी आ गया है। 1 अपॉन 2 प्लस कॉस्टीटा, कॉस्टीटा की वैल्यू z प्लस जेड इनवर्स अपॉन 2 रखा। डी थीटा की वैल्यू 1 अपॉन आई जेड डी जेड रखा। यहाँ पर इसको हमने इवेल्यूएट करेंगे, इवेल्यूएट करने पर z इनवर्स को 1 अपॉन z लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आपको इस टाइप की टर्म मिल जाएगी 2z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1। यहाँ z से z कैंसिल होगा और 2 अपॉन i को हमने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन के, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 dz हो गया। अब यहाँ पर हमने इस फंक्शन को जो रैशनल फंक्शन है 1 अपॉन, इसको हमने 5z मान लिया, तो ये इंटीग्रल हो गया। इसकी वैल्यू जाएगी 2 अपॉन i इंटीग्रेशन ऑफ 5z dz, जहाँ पर 5z की वैल्यू ये है। अब हमको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको इंटीग्रेशन ऑफ 5z dz ओवर c, ये हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम। ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इस फंक्शन का पोल निकालेंगे। तो पोल निकालने के लिए, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, 26 नंबर का लेक्चर देखेंगे आप तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर चुके हैं पहले। 5z का पोल निकालेंगे। पोल निकालने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। यहाँ से 0 के बराबर इक्वेट करा, यहाँ से हमने माइनस भी प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लगाया, तो माइनस भी प्लस माइनस अंडर रूट रूट 3 वाला फॉर्मूला आया जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहलाता है। फिर z की वैल्यू तो आएगी माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3। ये दोनों सिंपल पोल हैं। हमने इस पोर्शन को अल्फा मान लिया और इस पोर्शन को बीटा मान लिया, मतलब अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस 2 प्लस रूट 3 और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस 2 माइनस रूट 3। अब हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों पोल में से सर्किल के अंदर कौन सा है, सर्किल कौन सा ले रहा है, यूनिट सर्किल, मॉड जेड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले जेड इज इक्वल टू अल्फा हमने किस में रखा, ये जो सर्किल की इक्वेशन है मॉड जेड इज इक्वल टू 1, यहाँ जेड की वैल्यू हमने रखा अल्फा माइनस 2 प्लस रूट 3। अगर ये वैल्यू कितनी आई 0.265, जो कि लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, इसका मतलब ये इनसाइड हो जाएगा, और अगर इक्वल टू आता है तब भी इनसाइड होगा, लेकिन अगर ग्रेटर देन वैल्यू 1 आ जाती है तो आउटसाइड हो जाएगा। तो सेकंड केस में जेड इज इक्वल टू बीटा हमने रखा, तो मॉड जेड इज इक्वल टू जेड इक्वल टू माइनस 2 माइनस रूट 3 की वैल्यू 2.73 आई है, जो कि 1 से बड़ा है, मतलब 1 से छोटा नहीं है। तो ये जेड इज इक्वल टू बीटा जो हो गया आउटसाइड दी सर्किल मॉड जेड बराबर 1 हो गया। अब हम z इज इक्वल टू अल्फा इनसाइड है और बीटा आउटसाइड है, तो बीटा इज z इज इक्वल टू अल्फा पर जो कि सिंपल पोल है हम रेसिड्यू निकालेंगे। रेसिड्यू का सिंपल वाला फॉर्मूला जो हमने पहले भी न्यूमेरिकल करा है कि 5z का z इक्वल टू अल्फा पे रेसिड्यू निकालना है, तो फॉर्मूला होता है z टेंस टू अल्फा z माइनस अल्फा इंटू 5z। लिमिट z टेंस टू अल्फा में z माइनस अल्फा, इस 5z की वैल्यू 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 रख दिया, ये टर्म एज इट इज आ गई। जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 के जो दो रूट्स आए थे उन कौन से रूट्स थे, एक आया था अल्फा और एक आया था बीटा। तो हम इस इक्वेशन को जेड स्क्वायर प्लस 4z को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन जेड माइनस अल्फा और जेड माइनस बीटा, है ना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर जेड माइनस अल्फा से z माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, z माइनस बीटा, z की जगह अल्फा रखेंगे तो यह जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 1 अपॉन में। कॉची रेसिड्यू थ्योरम बोलती है कि इंटीग्रेशन ऑफ 5z dz की वैल्यू 2 पाई आई रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू अल्फा होगा। रेसिड्यू हमने निकाला है 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3,
यहाँ पर जेड इज इक्वल टू अल्फा पर रेसिड्यू की वैल्यू 1/2 अंडर रूट रख दी, 2 से 2 कैंसिल होगा तो आंसर आ गया पाई आई अपॉन रूट 3। ये रेसिड्यू की वैल्यू आई है और उसमें हमने 2 पाई आई का मल्टीप्लाई करा है, तो ये वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ऑफ 5z dz। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी ये वाली, ये जिसमें हमने इसकी वैल्यू निकाल चुका है। इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है, यहाँ से हमने निकाली है पाई आई अपॉन 3। ठीक है, ये उठा के हमने फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारी, तो ये 2 अपॉन i आ गया और इसकी वैल्यू पाई आई अपॉन रूट 3 आ गया, और फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 2 पाई अपॉन अंडर रूट 3। ओके, थैंक यू सो मच।